हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, क्लास 9th का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3 और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। अब देखिए, हमें इन दोनों नंबरों के बीच में तीन इरेशनल नंबर्स बताने हैं अलग अलग। रेशनल नंबर बताने होते तो हम आराम से बता देते, अब देखिए इरेशनल नंबर बताने का तरीका क्या है। सबसे पहला नंबर क्या है, 5/7। 5/7 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 5 आएगा 7 अंदर, अब देखिए पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 7 49, फिर 1 बचेगा। अब पॉइंट लगाया तो हम एक 0 और लगा सकते हैं, 7 7 7, फिर 3 आएगा, पॉइंट लगाया हम एक और 0 बढ़ाएंगे, 7 4 20। इनको माइनस करके 2 आएगा, पॉइंट लगा है हम एक और 0 बढ़ाएंगे, 7 2 जा 14, फिर 6 आएगा, इनको माइनस करके पॉइंट लगा है हम एक और 0 बढ़ाएंगे, 7 8 जा 56। 4 आया है, पॉइंट लगा है 7 5 जा 35। अब देखिए 5 आ गया, अब हम पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, ये फिर से प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगी। इसका मतलब हम 5/7 के डिवाइड को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिपीट होगा तो हम इसके ऊपर बार लगा देंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इनका जो डिवाइड है वो होगा 0.71425 का बार। सेम अब हम क्या करेंगे, 9/11 का चेक करेंगे डिवाइड। 9/11 का डिवाइड क्या होगा, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा यहाँ पे, 11 8 जा 88, इनको माइनस करके 2 आएगा, पॉइंट लगाई है यहाँ पे, 0 बढ़ाएंगे, 11 बन जाए 11, फिर 9 आएगा, फिर पॉइंट लग के 0 लगेगा, तो ये प्रोसेस रिपीट हो जाएगी। तो 9/11 को जो डिवाइड है वो क्या आएगा, 0.81 के ऊपर बार। तो देखिए 5/7 का डिवाइड क्या है, 5/7 का डिवाइड आया है 0.71425 का बार, और 9/11 का वो क्या है, डिवाइड क्या है, 0.81 का बार। अब तीन इरेशनल नंबर्स बताने हैं। इरेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं आते, और ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं आने वाले, क्योंकि ये इनके ऊपर बार लगा है। हालांकि पॉइंट के बाद अगर नंबर के ऊपर बार लगा है वो हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। अब देखिए, इनके बीच के कोई भी तीन नंबर हम लिख सकते हैं, 7 1 4 2 8 5 और 8 1 के बीच का। जैसे पहला हम क्या लिख सकते हैं, तीन इरेशनल नंबर बताने, तो पहला नंबर हम क्या लिख सकते हैं, 0.71358 कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं 0.73426, और तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, डॉट 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 डॉट, तीसरा हम लिख सकते हैं 0.75766, कुछ भी। तो ये तीन इरेशनल नंबर हमने इनके बीच में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम यहाँ पे 83 लिखते या फिर 70 से स्टार्ट करते, स्टार्ट ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों के बीच में ही आए। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 का, क्लास 9 का। होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।